सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो मैं हूं अमरीश कुमार और आज हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। ये कंप्यूटर एडेड ड्राइंग जो है ये आधा आपका जो सिविल इंजीनियरिंग का ड्राइंग आपने अगर आप लैटरल एंट्री के थ्रू बीटेक में एडमिशन लिए हैं तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। और नहीं तो अगर आप रेगुलर से हैं तो आपको पूरा का पूरा नया चीज़ें लगेगा। देखो यहाँ पे जो कंप्यूटर एडेड ड्राइंग है, कंप्यूटर जो कि पार्ट वन जो कि इंट्रोडक्शन और सिंबल्स एंड साइन कन्वेंशन तक है, ये आपका पार्ट वन में आएगा। और ये जो पार्ट टू है मशीनरी बॉन्ड्स, बिल्डिंग ड्राइंग और पिक्टोरियल व्यू, ये पार्ट टू में मैं लेकर चला हूँ। क्यों मैं इस तरीके से लेकर चला हूँ, इसको लेकर चलने का मेरा मेन उद्देश्य यह है कि आप जो लोग डिप्लोमा के बाद जो है बीटेक में एडमिशन करवाएं यानी लैटरल एंट्री से करवाएं, वे लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े होंगे, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग या बिल्डिंग ड्राइंग, कब? थर्ड सेमेस्टर में। हाँ, अब जो 2020 के बाद सिलेबस चेंज हुआ है तो उसके अनुसार थोड़ा चेंजेस होंगे, बट उसमें मैं बाद में बात करूँगा, क्योंकि अभी तो जितने भी हैं वो सारे 2016 का जो सिलेबस था वही सिलेबस को कैरी कर रहे होंगे जो भी अभी तक एडमिशन करवाए हैं। क्योंकि 22 में एडमिशन करवाने का मतलब है कि आप ऑब्वियसली 21 में पास हुए होंगे या तो 22 में पास हुए होंगे, तो 22 तक जो भी पास हुए हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट वैसे होंगे जो 2019 में एडमिशन करवाएंगे। तो 2019 में तो सिलेबस चेंज हुआ नहीं है, 2020 में सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो इसमें जो है आधा ड्राइंग है और आधा कंप्यूटर है, ठीक है, आधा ड्राइंग है और आधा कंप्यूटर है। तो ये अब कई सारे लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि सर ठीक है आधा ड्राइंग है आधा कंप्यूटर है, तो क्या एग्ज़ाम में हमें कंप्यूटर मिलेगा? नहीं यार, पेन पेपर पे आपको कैलकुलेशन करना है। अब कई सारे लोग सोचेंगे कि यार ऑटो कैड सीख लेंगे ना तो ये पेपर हमारा निकल जाएगा। अरे भ्रम में हो तुम, भ्रम में हो। कंप्यूटर जो ऑटो कैड है ना उसको सीखने से ये एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। ये एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको ड्राइंग पढ़ना होगा, ठीक है। ड्राइंग मेरे पास वो बुक है क्या यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं मेरे पास अवेलेबल है। अगर मेरे पास बुक रहता, डिप्लोमा में एक बुक आता है रितु पब्लिकेशन का, ठीक है, बिल्डिंग ड्राइंग एंड प्लानिंग वाला रितु पब्लिकेशन का बुक आता है, वो पढ़ लोगे डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को फोड़ सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ, यानी 70 में आपका 50 नंबर फिक्स है कि आ जाएगा। तो सर 70 में 70 क्यों नहीं आएगा? वो इसलिए क्योंकि उस ड्राइंग वाले बुक में आपको इंट्रोडक्शन में जो पार्ट है वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपका कंप्यूटर यानी एडेड यानी जो कंप्यूटर से ड्राइंग करते हैं यानी ऑटो कैड जो हुआ उसका सिलेबस है। हाँ ये मिल जाएगा, सिंबल एंड साइन कन्वेंशन भी मिल जाएंगे लेकिन पूरा नहीं मिलेंगे, बाकी मशीनरी बॉन्ड, बिल्डिंग ड्राइंग एंड पिक्टोरियल व्यू, ये तीनों मिल जाएंगे। तो अगर आपको AKU का एग्ज़ाम पास करना है तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यार इस सब्जेक्ट को। ये जो लेक्चर है ना, ये जो सब्जेक्ट्स है, ये आप विद इन 3 आवर्स वीडियो लेक्चर है ना, 3 घंटा का मात्र वीडियो लेक्चर्स होगा जिसमें आप इस कंप्यूटर एडेड ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं इस 3 घंटे में, जिसमें 2 घंटे का लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा है ना, उसमें आपको 2 घंटे का एक कंप्लीट लेक्चर्स है, उसे आप देख लीजिए, पूरा थ्योरी आपका कंप्लीट, पूरा थ्योरी कंप्लीट। बस उस पे बेस्ड अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर आ जाए, बस आप उस पेपर को बनाइए और फिर वो जो 2 घंटे का मैंने वीडियो दिया ना उसके अनुसार आप पेपर बनाइए, आपको डेफिनेटली लगेगा कि यार 70 में 35-40 नंबर तो ये 2 घंटे के लेक्चर्स में ही आ जाएगा। जो 2 घंटे का मैंने लेक्चर लिया है उसमें 35 से लेकर 45 नंबर के बीच में आप उसी में आ जाएगा, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, 35 से 40 नंबर आप वहाँ से ला सकते हैं आराम से। हाँ, और ज़्यादा नंबर लाना है तो आप क्या करना है, और ज़्यादा नंबर लाने के लिए 1 घंटे एक्स्ट्रा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि हर सेशन में पेपर जो है चेंज होता है, तो हर एक सेशन में जब पेपर चेंज होता है तो हर एक सेशन वाइज प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशंस भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, यहीं पे YouTube पे ही आपको मिलेगा, सारी चीज़ें फ्री मिलने वाली है YouTube पे, जो वीडियो कोर्सेज लेक्चर्स है वो फ्री मिलने वाले हैं। तो जो 1 घंटा और मैंने बोला ये 1 घंटे यहाँ पे और मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये अब अपडेटेड मिलेगा और कंप्यूटर एडेड का एक प्लेलिस्ट होगा, ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जाना
उस प्लेलिस्ट में वो वीडियो नहीं मिलेगा, जो 2 घंटे का वाला लेक्चर है वो उस प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट रहा तो कमेंट कर देना, मैं उसको जो है उस प्लेलिस्ट में ऐड करवा दूंगा टीम से, बट अभी उस प्लेलिस्ट में नहीं है। उस प्लेलिस्ट में जाना, और भी कुछ वीडियोज़ होंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, उसे आप देख लेना, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अभी जो है 3 घंटे में मात्र समझो कि मतलब एग्ज़ाम जिस दिन एग्ज़ाम भी रहेगा ना, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले भी तुम इस सब्जेक्ट को पढ़ लोगे ना, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। सोच लो ना यार, आप खुद देख रहे हो कि कितना, 3 घंटा क्या है यार, गया से पटना जाने में 3 घंटा लगता है, उतना देर में तो आप लेक्चर देख लोगे, है ना, उतना देर में क्या कर लोगे, लेक्चर देख लोगे, बस हो गया। अब बात करते हैं सब्जेक्ट का, थोड़ा डिटेलिंग देख लेते हैं कि भाई किस में क्या क्या पढ़ना है। देखो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या है कि ऑटोकैड क्या है, फादर उसके कौन है, कैसे डेवलप हुआ, कौन कौन से कमांड होते हैं, सेक्शन क्या होता है, प्लान क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, क्यों कंप्यूटर ज़रूरत है ड्राइंग के लिए, इन सभी के बारे में आपको जो है पढ़ना है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन इस तरीके का भी आ जाता है कि भाई जो नॉर्मल ड्राइंग हम लोग करते हैं पेन पेपर वाला जो ड्राइंग है वो, और जो कंप्यूटर एडेड ड्राइंग है वो, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, है ना, ये चीज़ आपको आ जाता है क्वेश्चंस एग्ज़ाम में। फिर सिंबल्स एंड साइंस, ये इससे जो है आपको 14 नंबर का क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि आपको आएगा ही आएगा, ठीक है, आएगा ही आएगा। प्लस जो 2020 में, 21 में और 2022 में ये जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, है ना, इन सभी का पेपर का लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पेपर का, एग्ज़ाम पेपर का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, और अगर नहीं मिलता है तो आप कहीं से भी गूगल पे भी सर्च करोगे, आपको ये चीज़ें मिल जाएगा। बट मैं कोशिश करूँगा कि सारी लिंक्स आपको जो है एक प्रॉपर वे में अरेंज करके आपको दे दिया जाए, ठीक है। तो इससे जो है आपका एक 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इससे एक 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और ये फिक्स है यार, ये सभी फिक्स हैं, इससे एकदम आते ही आते हैं 14 नंबर का, साइन एंड सिंबल से 14 नहीं तो मिनिमम तो आपको 7 नंबर का देगा ही। उसके बाद मिशनरी बॉन्ड, अब बॉन्ड में बात आता है तो आप ड्राइंग में पढ़े होगे कि कितने तरीके का बॉन्ड है, या बिल्डिंग मटेरियल में ही आप पढ़े होगे, है ना, बिल्डिंग मटेरियल में भी मिशनरी बॉन्ड आप पढ़े होगे, तो वो फिर बिल्डिंग ड्राइंग, तो कई सारे बॉन्ड्स होते हैं, उन सभी को इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, तो उसको डिज़ाइन कैसे करेंगे, ऑब्वियसली भाई हम लोग ड्राइंग पढ़ रहे हैं, तो ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो उसका डिज़ाइनिंग तो करना पड़ेगा ना, तो डिज़ाइनिंग आपका आ जाएगा। फिर बिल्डिंग ड्राइंग क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से किया जाता है, फिर पिक्टोरियल व्यू यानी 3D व्यू कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोजेक्शंस उसका कैसे होता है, है ना, और कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं उसको प्रोजेक्ट करने का, तो इन सभी के बारे में यहाँ पे जो है पढ़ना रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं वीडियो लेक्चर, तो मैंने बोल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे लिंक, आप उस लिंक से 2 घंटे का लेक्चर है उसको अभी देख कर ख़त्म ही कर दो, अभी ये वीडियो जैसे ही ख़त्म हो उसके बाद उस वीडियो को देख लो, 2 घंटे में उसको ख़त्म कर दो, नोट्स बनाना है नोट्स बना लो, सारी चीज़ें अभी कर लो, ताकि बाद में आपको बस रिवाइज करना रह जाए, और जो आने वाले वीडियोस हो जिसमें प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे उसमें आपको समझ में आए कि अच्छा ये चीज़ यहाँ से आया, है ना, उससे आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं नोट्स, नोट्स आपको या तो खुद से बना लो या तो आप हमसे प्राप्त कर लो। हमसे प्राप्त करने का 2 तरीका है, एक है कि भाई फ्री में हमको नोट्स चाहिए, तो फ्री में नोट्स कहाँ पे मिलेगा, MRS स्टडी ऑफिशियल, ये कहाँ पे मिलेगा, ये टेलीग्राम पे, टेलीग्राम, है ना, टेलीग्राम पे आप सर्च करना है MRS स्टडी ऑफिशियल। यहाँ पे मैं 2020 में, है ना, 2020-21 में मैंने क्या किया था, 20 और 21 में मैं PDF दिया था, PDF डाला था 2020-21 में, तो PDF तो सेम रहने वाला है ना यार, सेम ही तो है, कुछ है नहीं, तो उस PDF को आपको चैप्टर वाइज क्या करना है, चैप्टर वाइज आपको सर्च करना है, या फिर आप सर्च कीजिएगा CAD 01 या CAD 02 इस तरीके से,
है ना, कैट 01 या कैट 02 या चैप्टर वाइज का नाम आप डाल के सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में MRS स्टडी ऑफिशियल चैनल पे, तो आपको जो है PDF मिल जाएगा चैप्टर वाइज। और दूसरा कि पेड जो है ये आपको हमारे ऐप है ना, ऐप आपको पता है कि कौन सा है, इंजीनियर प्लस। यहाँ पे आपको जो है लिटिल अमाउंट आपको जो है पे करना होगा और उस PDF को जो है आप रीड कर पाएंगे, PDF को आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे डियर। जो ऐप का PDF है यानी जो नोट्स है ये आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर पाएंगे, ये लिटिल अमाउंट पेमेंट आपको करना होगा, ठीक है। और उसको रीड करने के लिए आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा, है ना, मतलब 6 महीने तक आप अनलिमिटेड जितना बार मन करे उतना बार उस PDF को खोलकर पढ़ सकते हो। हाँ, इस PDF को आप अपने ऐप में ही, जो ऐप आप डाउनलोड किए हमारे ऐप इंजीनियर प्लस को, वहीं पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हो विदाउट नीड ऑफ इंटरनेट, यानी कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार डाउनलोड कर लिए 6 महीना तक बिना डाउनलोड किए हुए, है ना, मतलब बिना इंटरनेट का आप इसे पढ़ सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐप के अंदर, ठीक है, ऐप के अंदर ही आप उसे पढ़ सकते हो। और बात करें, ये पेपर बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी, जितना मतलब जितना तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना, उससे भी जो है ये ईजी पेपर है। बस लोगों के बीच में ये भ्रम है कि यार बहुत मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा बड़ा डिज़ाइनिंग करना है, यार कुछ नहीं करना है कंप्यूटर से डिज़ाइनिंग, कुछ नहीं करना है, बस आपको पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, कहीं पे आपको प्रैक्टिकली इसका यूज नहीं है। प्रैक्टिकल यूज कब होगा, जब आप ऑटोकैड सीखोगे और आपका आप एज ए फ्रीलांसर के तौर पे आप डिज़ाइनिंग वगैरह करोगे, है ना, आपके पास कोई आएंगे या आपके पास कोई कस्टमर आएगा कि भाई हमारा जो है घर ये है, इतना बाई इतना का प्लॉट है, हमको जो है एक ड्राइंग चाहिए जिसमें एक किचन चाहिए, एक बाथरूम चाहिए, एक पूजा घर चाहिए, एक बेडरूम चाहिए, एक ड्राइंग हॉल चाहिए, इस तरीके पे मेरा ज़मीन जो है 27 फीट × 42 फीट है या 40 फीट है, 20 फीट × 40 फीट है, इस तरीके का आपको ज़मीन का नक्शा दे देगा और उस पर बनाना। तो जब आप प्रैक्टिकली इसका यूटिलाइजेशन करोगे, किसी का ड्राइंग डिज़ाइन वगैरह करोगे, तो उस समय इसका यूज होगा, लेकिन इस सब का कोई यूज नहीं है। वहाँ पे एक थंब रूल होता है भाई, अपना अपने अनुसार यूज़ करना। हाँ, जो आप फर्स्ट पार्ट में, जो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप कमांड पढ़ोगे, वो कमांड आपका यूज होगा, वो कमांड का यूज करके आप किसी सेक्शंस को ट्रिम कर सकते हो। मान लो कि आप दीवार बना रहे हो, तो दीवार तो लाइन से जोड़ोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि एक चरखुट बना दोगे डायरेक्ट, नहीं ना, लाइन से करोगे, तो लाइन कमांड यूज करोगे। अब लाइन कमांड मान लीजिए ज़्यादा हो गया तो उसको ट्रिम करना रहेगा, तो ट्रिम कमांड यूज करोगे। तो जो बेसिक है उसको जो है आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। और ये सिलेबस कितने क्रेडिट का है, ये आपका 2 क्रेडिट का है, कितने क्रेडिट का है, ठीक है, ये 2 क्रेडिट का आपका जो है सब्जेक्ट है, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई हो, और जो मैंने बोला वो आप फॉलो करो, बस एग्ज़ाम तो यूं ही निकलेगा यार, सेमेस्टर एग्ज़ाम निकालने के लिए टेंशन नहीं है। अब आप टेंशन लो, BTech में एडमिशन ले लिए, बस सपना देखो कि गेट हमें निकालना है। क्या सपना देखो, गेट हमें निकालना है। गेट निकालने के लिए थर्ड सेमेस्टर में आपको कौन कौन सा पेपर ज़रूरी है, तो वो है आपका ज़रूरी है सर्वेइंग एंड जियोमेटिक्स, और दूसरा पेपर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। सर्वेइंग एंड जियोमेटिक्स, ये 2 पेपर जो कि आप थर्ड सेमेस्टर में इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो लोग लैटरल एंट्री से हमारे पास मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, वे लोगों को ऑलरेडी मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाया है। जो मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको पढ़ाया है उसका 70-80% सेम टू सेम मैच करने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना रहता है,
ठीक है, फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, और में भी आपको है, फर्स्ट ईयर में तो आपको है, सेकेंड ईयर में आपको यहाँ पे पढ़ना है, बट वो थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो मैंने लेटरल एंट्री से, अगर तुम आए हो हमारे पास इस वीडियो को देख रहे हो, लेटरल एंट्री से आप आए हो, तो इस आपको जो है मैथमेटिक्स में भी हम जो पढ़ाए हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है लेटरल एंट्री वाला से। आपको लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, उसके बाद वेक्टर कैलकुलस, या वेक्टर कैलकुलस क्या, पूरा कैलकुलस ही ले लो ना, पूरा कैलकुलस ही ले लो, लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस, ये दो जो चैप्टर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया है यार, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, तो ये चीज़ें तो अब तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना। मतलब आप अगर गेट का सपना देख रहे हो, है ना, गेट का अगर आप सपना देख रहे हो, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको मैंने पढ़ा दिया, दो चैप्टर पढ़ा दिया, दो चार चैप्टर और होंगे तो उसको तो आप कवर कर ही लोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली कर लोगे यार, कर लोगे, बड़ी बात नहीं है। अब मैथ्स मान लो कि 50%, मैकेनिक्स भी आपका जो है गेट के अनुसार ही यहाँ पे जो आपको सेमेस्टर में पढ़ने हैं वहीं यहाँ पे पढ़ने, यानी 70-80% गेट का सिलेबस भी मैंने कवर कर दिया मैकेनिक्स में भी। सर्वेइंग आप लोग पढ़े ही होगे, नहीं पढ़े हो तो फिर यहाँ पे तो पढ़ोगे, यानी अगर आपको गेट का तैयारी करना है तो इसको बस ओवरव्यू कर लेना है, अगर किसी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, नहीं लेते हो तो फ्री में भी कई सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, वहाँ से आप देख सकते हो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मुझे नहीं लगता कि अलजेब्रा और कैलकुलस आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है ना यार, जो मैंने पढ़ाया है उसको अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े होगे, डेफिनेटली आपको ये दो चैप्टर्स में कभी दिक्कत नहीं होने वाला है, कभी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया ना वही चीज़ अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट का कोर्स ज्वाइन करते हो, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, अगर ज्वाइन करते हो तो जो मैंने पढ़ाया है वही चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा। और मैं यहाँ तक इवन ये भी मैं बताता हूँ, गेट एकेडमी है ना, गेट एकेडमी जो कि गेट एग्ज़ाम में एक अच्छा खासा नाम है, उस गेट एकेडमी का द्वारा जो भी पढ़ाया गया है वही चीज़ मैंने पढ़ाया, क्योंकि जिस टाइम मैं पढ़ा था वो मैंने पढ़ा था, और जिस तरीके से पढ़ाया गया था उसी तरीके से मैंने पढ़ाया। तो अगर आप गेट एकेडमी का लेते हो तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट हर एक पॉइंट आपको जो है लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस का मैच करेगा, हर एक पॉइंट ए टू जेड। हाँ, समझाने का तरीका अलग हो सकता है, क्योंकि डियर मैंने पढ़ा है और देन पढ़ाया है, और वहाँ पे जो फैकल्टी हैं उस इंस्टीट्यूट में वो क्या करेंगे, वो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं बहुत सालों से, तो उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सकता है, बट पॉइंट बाय पॉइंट हर एक टॉपिक मिल जाएगा, मैकेनिक्स और कैलकुलस। तो यह है बस, सर्वेइंग आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, यानी ये तीन पेपर आपको थर्ड सेमेस्टर में ही कंप्लीट, यानी आपको क्या है कि हम कंप्यूटर एडेड पे ज़्यादा फोकस करेंगे यार, 3 घंटा में हमको ये कंप्लीट हो जाएगा, अभी 3 घंटा दे देंगे और जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके पहले 3 घंटा दे देंगे, 6 घंटा में ख़त्म ऑटो कैड, ज़्यादा इस पर फोकस ही नहीं करना है, आपको फोकस करना है किस पे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स और सर्वेइंग पे। और अगर इन सभी से टाइम मिल जाता है, बच जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, रीजनिंग पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि इसका रीजनिंग जो है थोड़ा अलग लेवल का आता है। देखो, मैथ्स और रीजनिंग जो गेट में आता है इसी से आपको क्या आ जाएंगे, 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपको यहीं से बन जाएगा, तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है, आधा तो यहीं से आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बस आपको ध्यान रखना है और पूरी चीज़ों को फोकस करना है, अगर एक बार फोकस कर लिया ना डियर तो कोई माइक लाल नहीं है रोकने वाला, बस फोकस होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो गलतियां की है ना वो आपको नहीं करनी है यार, सेमेस्टर पे टाइम दो, ये करो वो करो, अरे भूल जाओ सेमेस्टर को, कुछ नहीं है सेमेस्टर, देखो ना 3 घंटे में मैं आपको ऑटो कैड ख़त्म करवा दिया ना, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, काहे के लिए ज़्यादा टाइम दोगे। हाँ, जिस टॉपिक पे देना है उस टॉपिक पे मैं बोलूँगा कि हाँ इस पे थोड़ा फोकस कर लो ज़्यादा, बाकी आप इन सभी पे फोकस करो ना, गेट के लिए बीटेक करो यार, गेट करो, ओके। तो इतना ही, बाकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा डिफरेंट, जैसे नोट्स के लिए आपको मैंने बता ही दिया, और एग्ज़ाम पेपर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, 3 घंटे का लेक्चर में 2 घंटे का लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें आप देख लेना, आपको सारी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। बाकी प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन जब आपको मैं करवाऊंगा उसे बस आप लोग देख लेना,
बस काफ़ी है। ओके okay?